नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएड टीटी 2011 के अभ्यर्थियों के बारे में। आखिर कौन सी चीज़ें ऐसे हो रही हैं जिससे बीएड टीटी के जो अभ्यर्थी हैं उनके भविष्य को लेकर के आप कह सकते हैं या उनकी जो रणनीति है उसमें किस तरीके से रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देश के नए जो चीफ जस्टिस हैं वो उदय उमेश ललित रहे हैं, और जो बीएड के अभ्यर्थी हैं इनका उदय उमेश ललित से बहुत पुराना नाता कहिए लगातार चलता आ रहा है, क्योंकि इनका ही डिसीजन था जिससे जो है 839 याचियों की नियुक्ति हुई थी। उसके बाद सेम पैरामीटर पर इन्होंने दो तीन बार आदेश भी किए थे लेकिन उसको गवर्नमेंट ने फॉलो नहीं किया, और फाइनल आदेश में इन्होंने कहा कि भाई सरकार को लिबर्टी दे दी कि भाई आप करें या ना करें आपकी मर्जी, यानी अंतरिम आदेशों को पूरा करें, नए विज्ञापन को आगे बढ़ाएं, ये सब चीज़ें कही थी लेकिन गवर्नमेंट को लिबर्टी दी थी। अब चूँकि वो नए चीफ जस्टिस बन गए हैं इंडिया के, इसको लेकर के अभ्यर्थी सोच रहे थे कि भाई जो नए चीफ जस्टिस हैं यूयू ललित, इनकी बेंच में जाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि बार बार जो है ये एक ही डिसीजन आता है कि विशेष अनुमति याचिकाएं जो हैं वो खारिज की जाती हैं। अब हुआ क्या, नए चीफ जस्टिस बन गए। अब ये जो चीफ जस्टिस हैं, सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट इनके कार्यकाल को 2 साल तक बढ़ाना चाहती है, ऐसी भी न्यूज आ चुकी है और सरकार उस पर काम भी कर रही है। और अगर यूयू ललित का कार्यकाल जो है बढ़ जाता है तो चीज़ें बीएड टेट 2011 के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए और मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन इतना ही नहीं, वो तो चीफ जस्टिस बन गए, वो अलग बात है कैसे डिसीजन देते हैं ये आगे देखने को आपको मिलेगा। लेकिन दूसरी चीज़ जो यूपी सरकार है उसने कर दी, उसने क्या किया, जो यूयू ललित के जो बेटे हैं यश ललित, उनको जो है महाधिवक्ता नियुक्त कर दिया, उसके लिए आदेश जारी हो गया। अगर उस आदेश की बात करें तो ये आदेश 21 सितंबर को जारी होता है कि उपर्युक्त विषय पर मुझे कहने का निर्देश हुआ कि महामहिम राज्यपाल माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से वादों की पैरवी और बहस हेतु श्री यश यूयू ललित पुत्र श्री यूयू ललित अधिवक्ता को वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता के रूप में आबद्ध किए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। यानी सरकार पूरी तरीके से चाह रही कि जिस तरीके से वो चाहे उस तरीके से अपना डिसीजन, चाहे उच्च न्यायालय का हो चाहे उच्चतम न्यायालय का हो, वो करवा सके। अब पिता जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और महाधिवक्ता यूपी के जो रहेंगे वो उनके पुत्र रहेंगे, और ये कोलेजियम सिस्टम ऐसा है ना, पुत्र की ये पहली सीढ़ी है। इसको लेकर के दिलीप मंडल ने ट्वीट भी किया, उस ट्वीट को एक बार पढ़िए। जस्टिस यू आर ललित के पोते और चीफ जस्टिस यू ललित के पुत्र यशयू ललित, यूपी सरकार ने अपना सीनियर पैनल वाला वकील बनाया। राज्य सरकार पेशी के लिए चुने हुए वकीलों को एक दिन का लगभग 10 लाख से 25 लाख रुपये वेतन देती है, एक दिन का। ये हाईकोर्ट में जज बनने की पहली सीढ़ी है। सीधी सी बात है कि जो इस समय आप चीफ जस्ट, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनकी भी शुरुआत कुछ ऐसी तरीके से हुई थी। अब यहाँ पर देखिए, एक आदेश को इन्होंने ट्वीट किया है और साथ में फोटो भी पोस्ट की है। तो यहाँ पर जो बीएड टीटी के अभ्यर्थी हैं जिनको वास्तव में न्याय मिलना चाहिए और न्याय नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, जो भी याचिकाएँ गई वो लगातार खारिज होती रहीं। अब यहाँ पर अगर चीफ जस्टिस का कार्यकाल बढ़ता है तो निश्चित रूप से अभ्यर्थियों के लिए एक निराशा की बात हो सकती है कि एक समान पैरामीटर पर नियुक्ति का आदेश करने वाला अपने अंतिम आदेश में सरकार को लिबर्टी दे देता है और सरकार उस लिबर्टी को 6-7 सालों से उसको पूरा नहीं करती है, फिर ये कैसा न्याय है। सेम पैरामीटर पर क्या समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए आगे क्या होता है।
ये जो महाधिवक्ता नियुक्त हुए हैं यूयू ललित के पुत्र, इनकी अगर एक्सपीरियंस देखें तो इनका भाई श्याम दीवान के चैम्बर में 1 साल का एक्सपीरियंस, राजशेखर राव के चैम्बर में 1 साल का एक्सपीरियंस, और वाधवा ला कॉलेज में 2 साल का एक्सपीरियंस, इतना एक्सपीरियंस है। और ये एक्सपीरियंस गेन किया गया 2018 से लगा करके 2021-22 के करीब, और इनको सरकार ने महाधिवक्ता नियुक्त कर दिया। इनके पिता चीफ जस्टिस हैं। फैसले किस तरीके से आने हैं ये आप सब समझ ही गए होंगे। तो भैया यहाँ पर पूरी तरह कहने का मतलब ये है कि अभ्यर्थी लगातार याचिकाओं के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, जो कि जायज़ बात है। नियुक्त अभ्यर्थियों को मिलनी चाहिए, क्योंकि पूरी तरीके से प्रमाणित जो अभ्यर्थी हैं वो लगभग, इनकी संख्या 35,000 उस समय थी जब ये लोग, जब आदेश आया था 2016 में, फरवरी का आदेश हो, नवंबर का आदेश हो, जितने भी आदेश आए थे उसमें प्रमाणित छात्रों की संख्या लगभग 35,000 आप मान के चल सकते हैं। उस अब आज की स्थिति में वो संख्या काफ़ी कम हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कई भर्तियों में शिफ्ट हो गए और बहुत सारे लोगों ने अपना बिजनेस कर लिया, तो बहुत चीज़ें प्रभावित हुई हैं। लेकिन अब जो मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है उसमें यही डिसीजन आ रहा है कि विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जा रही हैं, बच्चे रिव्यू में जा रहे हैं, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अभी खैर घोषणा नहीं हुई है कि इनका कार्यकाल बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, लेकिन अगर कार्यकाल बढ़ता है तो चीज़ें थोड़ा मुश्किल हो सकती हैं। आप क्या समझते हैं, आपका क्या सजेशन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।